सब्सक्राइब करें जीबी शो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। यूट्यूब समाचार के एक फ्रेश और नए एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। यहाँ पर फिर से मैं आपके लिए कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आया हूँ और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली खबर आ रही है वो ये है कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, जो कि आईआईटी कानपुर में एक स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा था उसमें ये कहा कि वो 60,000 यूपी के गांव यानी यूपी के ऐसे विलेजेस को इंडियन स्टार्टअप जो प्रोग्राम चल रहा है उससे लिंक करने वाले हैं। इससे ये फायदा होगा कि जो गांव-गांव में लोग बसे हुए हैं जिनके पास ज़्यादा काम नहीं है, जहाँ तक ज़्यादा काम पहुँच नहीं रहा है वहाँ तक लोगों के पास काम होगा। और उन्होंने अपील की है यूथ से, जो भी नए लोग हैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं वो ऐसी जगह पर स्टार्ट करें, उन रिसोर्स को यूज़ करें, उन लोगों से काम करवाएं ताकि गांव-गांव के लोगों को भी काम मिले और वो लोग भी आगे बढ़ें और जिससे कि यूपी आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है ये यूपी के गवर्नमेंट के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ के देखना है इससे क्या फल निकलता है क्या फल नहीं निकलता है, बट अभी तक की जो स्टेटमेंट है सुन के बहुत ही अच्छा लगता है और आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि गूगल ने अपना एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है बुलेटिन, जो वो टारगेट कर रही है जिस ऐप से आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो आपके सोसाइटी के आसपास या लोकेलिटी में कुछ भी हो रहा है वहाँ पर जो भी न्यूज़ होगा जो बड़ा मीडिया कवर नहीं कर पा रहा है या जो कि स्टेट मीडिया या सिटी मीडिया कवर नहीं कर पा रहा है वो सारी न्यूज़ उस ऐप में आएगी और उस ऐप के थ्रू आपको पता लगता रहेगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपकी सोसाइटी के आसपास जो कुछ भी है उसमें क्या चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं रोड में, कहीं पर तूफान आया हुआ है या कोई पेड़ गिरा हुआ है, तो आपको उस जो ऐप है उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो हमें उस रोड से नहीं जाना चाहिए या उस रोड से जाना चाहिए या उस गली से हम निकल सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ऐप के थ्रू मिलेगी। ऐप बिल्कुल ही फ्री है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गूगल के सारे ऐप फ्री होते हैं और बहुत ही लाइट वेट ऐप है। यूएस में कई जगह पर कई जगह है जहाँ पर लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाली है, उसके बाद हमें देखना है कि इंडिया में ये हमें किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अलीबाबा जो ई कॉमर्स जाइंट है उसके सीईओ जैक मा ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं ये आगे चल के ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ये बात सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें बहुत सारी हेल्प हो जाती है या हम कई चीज़ें काम आराम से कर लेते हैं, हम बैठे बैठे कई चीज़ें कर लेते हैं, बस एक कमांड देते हैं काम हो जाता है। बट उनका ये मानना है कि आगे चल के ह्यूमन रेस के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि कई ऐसी जॉब्स हैं जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ख़त्म कर देगा, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी इससे। अब ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है और ये एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगती है। अगर ज्यादा से ज्यादा काम रोबोट्स लेने लगे, ज्यादा से ज्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेने लगे तो लोगों को क्या होगा, लोगों को और नए से नए इनोवेटिव आइडिया ढूंढने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए, नया से नया कुछ करना पड़ेगा ताकि वो कुछ कर सकें, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी। कई ऐसे काम है जो ह्यूमन के हाथ से हो रहे हैं, कई ऐसे काम है जो अगर मशीन करने लग पड़ेगी तो वहां पर ह्यूमंस बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सच में एक कंसर्निंग थिंग है, बट इसमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला समय ही हमें बताएगा, बट ये स्टेटमेंट मुझे भी बिल्कुल सही लगती है। दोस्तों, ये स्मार्ट एरा चल रहा है, हर चीज स्मार्ट है, आपका टीवी स्मार्ट है, आपका फोन स्मार्ट है, आपका लैपटॉप स्मार्ट है, आपके शूज स्मार्ट है। शाओमी ने शू निकाले हुए हैं जो स्मार्ट शूज हैं, बट गूगल ने कोलैबोरेट किया है लेवाइस के साथ और आपको दे रही है स्मार्ट क्लोथिंग। यहां पर उन्होंने एक जैकेट लॉन्च करी है जो करीब $350 की मिलती है, उसमें टच करके आप गाने चेंज कर सकते हैं, उसमें वो आप ऑब्वियसली आपके फ़ोन के साथ सिंक होगी या किसी चीज़ के साथ सिंक होगी और उसमें टच की फैसिलिटी होगी। आप अपने जैकेट को, आप अपने कपड़ों को टच करके कमांड दे सकते हैं, मतलब आने वाले समय में आपको ऐसे टी शर्ट्स, आपको ऐसी पैंट देखने को मिलेगी जिसे आप टच करके कमांड दे सकते हैं। और कई ऐसी कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं जो टी शर्ट्स पर लाइट जलती हैं, टी शर्ट्स पर लोगो चलते हैं, वो अपने हिसाब से लोगो चेंज करते हैं, बट यहाँ ने गूगल ने कोलैबोरेट किया है लेवाइस के साथ और वो टच के कपड़े बना रही है। आप कुछ भी टच करके अपने टी शर्ट को या उसको कमांड दे सकते हैं कि आगे चल के ये करना है ये नहीं करना है, या आप जो भी आपका फोन उससे लिंक्ड है उसको कमांड दे सकते हैं कि ये कमांड दिया जा रहा है इसे ये काम करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हम आगे बढ़ के देखना है कि इंडिया में इसका क्या यूज होने वाला है क्या यूज नहीं होने वाला है। अभी तक तो यूएस में एक जैकेट है जो कि $350 में अवेलेबल है, इंडिया में अभी तक की आई नहीं है, बट बहुत जल्दी इंडिया में भी हमें देखने को मिलेगी और हम सब ये बहुत बेताब हैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। दोस्तों, जो अगली खबर आ रही है वो भी है गूगल की तरफ से, जो गूगल का क्लिप्स कैमरा है वो अब सेल के लिए अवेलेबल है, पहले ये सेल के लिए नहीं था। तो ये कैमरा ऐसा है कि छोटा सा कैमरा है जो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन जो भी होता है वो ऑटोमेटिकली सोचता है कि आपको ये सिचुएशन सही है, यहाँ पर रेजोल्यूशन अच्छी है, मैं फोटो ले लेता हूँ,
तो कई बार उससे नेचुरल फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। तो ये अभी $250 में अवेलेबल है, बट अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं, शिपमेंट फरवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी एंड से। बट इस कैमरे की फीचर एक कहीं रखा हुआ है, आप बैठे हुए ऑटोमेटिकली जब उसको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर आई, वो ऑटोमेटिकली पिक्चर लेता रहेगा और आपको अच्छी से अच्छी पिक्चर देता रहेगा। जब आप अचानक देखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स हो जाएंगी आपके पास, देखेंगे यार ये फोटो तो बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल नेचुरल फोटो है। तो यहाँ पर हमें देखना और इसमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा कैमरा किस तरह का है। सेल के लिए गूगल ने फाइनली निकाल दिया है और ये सेल के लिए आपको फरवरी से शिपमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी, आप ऑर्डर अभी कर सकते हैं अगर चाहे तो। बट अभी ये यूएस में अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है। तो जो भी मेरे भाई और बहन यूएस में रहते हैं या कोई आपका यूएस से लिंक जो आप इंडिया में मंगवाना चाहते हैं तो ये कैमरा आप इजीली मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मुझे बताएं आपको यूट्यूब समाचार की सीरीज़ कैसी लग रही है, आप इसमें किस तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं कुछ इंप्रूव कर सकूँ। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई न्यूज़ के बारे में जान सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।